हे गाइस, मैं हूं तुषार सर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास में ऑल न्यू अर्टिगा कार है और इस गाड़ी के लिए आपको मिल जाता है लिबर्टी लगेज के लिए एमटेक ब्रांड की तरफ से। चलिए इसका इंस्टॉलेशन आपको बता दें। सो गाइस, ये हमारी ऑल न्यू अर्टिगा कार है भाई। उस गाड़ी के रूफ पर लगाया गया है लिबर्टी लगेज कैरियर, जिसे फोल्डिंग कैरियर भी कहा जाता है, और ये काफ़ी डिसेंट लुक के साथ में आता है। तो हमारी जो गाड़ी है उसके ऊपर ब्लैक कलर का ये लगाया गया है और इसका लुक देखिए काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको लिबर्टी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये पूरा ABS मटेरियल में है और ऊपर में पूरा स्टील मटेरियल है, तो फोल्डिंग कैरियर भी इसे कहा जाता है और लगने के बाद में काफ़ी डिसेंट लुक आता है। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर रूफ रेल्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और बीच में कैरियर है, तो काफ़ी डिसेंट है। वहीं भाई, इसके बैक प्रोफाइल की आप बात करें तो बैक प्रोफाइल में देखें, यहाँ पर आपको एमटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर पूरा स्टील मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 80 से 90 किलो तक का वेट इसके ऊपर कैरी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा जो है कैरियर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर जो क्लैंप है, इस जगह पर जो क्लैंप है, इस क्लैंप की मदद से इसको यहाँ पर होल्ड किया जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको लिबर्टी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये जो कैरियर होता है, फोल्डिंग कैरियर होता है, इसको उठा के ऊपर भी किया जा सकता है, तो वो भी आपको बताएंगे। बाकी इसे लगाने के लिए जो क्लैंप आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, ये क्लैंप है, ये चार क्लैंप की मदद से ये होल्ड किया जाता है साइड डोर्स के ऊपर में। और ये सारे इसके मटेरियल्स इसको लगाने के लिए सब कुछ आपको किट के अंदर मिलता है। तो भाई देखो, अभी जो क्लैंप्स वगैरह उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो कैरियर है ना, काफ़ी अल्टीमेट कैरियर है भाई। यदि आपकी गाड़ी टैक्सी वगैरह में चलती है तो उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया ये चीज़ है, क्योंकि इसमें जो साइड के जो वॉल्स है वो उठ भी जाते हैं और बंद भी जाते हैं, फोल्डिंग टाइप के रहते हैं। वो आपको इंस्टॉल होने के बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए इंस्टॉल होने के बाद में कितना प्रीमियम लुक आ रहा है इसका। तो साइड क्लैंप से इंस्टॉल होने के बाद में फिर आपको इसका फुल रिव्यू देता हूँ भाई। तो रूफ रेल के नीचे में यहाँ 3M टेप दिया जाता है, इसको आपको निकाल के यहाँ पर चिपकाना होता है और ये रूफ रेल स्टिक हो जाता है और बाद में क्लैंप की मदद से होल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें आपको इस कैरियर के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है, तो अलग से कुछ भी लेना नहीं है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको इस लिबर्टी कैरियर का मिल जाता है आपकी अर्टिगा गाड़ी के ऊपर। तो इस तरीके से दोनों साइड चारों कॉर्नर्स में आपको 3M टेप लगे हुए मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से स्टिक होने के बाद में अब जो साइड वाले क्लैंप्स है उसकी मदद से इसको होल्ड किया जाएगा। अभी देखो आप, ये जो क्लैंप है यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, साइड वाले जो क्लैंप है उसमें फिक्स हो जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर होल्ड भी हो जाता है, तो काफ़ी बढ़िया तरह से फिटिंग हो जाती है। सिमिलर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, इस जगह पर भी क्लैंप लगा दिया गया है। तो ये जो क्लैंप है ना, इस तरीके से बाहर साइड में यहाँ से अंदर जाके फिक्स हो जाता है, तो उस तरीके से क्लैंप लग जाता है जिसकी मदद से ये होल्ड हो जाता है। तो एमटेक ब्रांड का ये लिबर्टी कैरियर आप अपनी ऑल न्यू अर्टिगा गाड़ी के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, आप भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो कैरियर है हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो मेन चीज़ है वो देखो, इस तरीके से ये ओपन भी हो जाता है। तो फोल्डिंग कैरियर है, जो सामान रखना हो आपको, तो इस तरीके से चारों कॉर्नर से उसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो उसको बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चारों कॉर्नर्स में ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है, तो काफ़ी बढ़िया कैरियर है भाई।